very good morning to all my dear students. Welcome to Time Saver course. आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा first chapter class 12th का and that is reproduction in organisms. Students, एक बहुत छोटा सा chapter है लेकिन बहुत important chapter है, बहुत scoring chapter है. I would say at least 3 to 4 questions इस chapter से आते हैं. आप कहेंगे मैम 3 to 4 कहाँ आते हैं? आते हैं students छिप कर इसकी थ्योरी से रिलेटेड, इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे और हम हर चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे. पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे एंड एज प्रॉमिस्ड हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. हमारे पढ़ने का तरीका वही रहेगा, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, बहुत सारे माइंड मैप्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना. अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा तो मार्क्स तो कोई आपसे छीन ही नहीं सकता. तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे, क्योंकि मुझे आपका टाइम सेव करना है, मैं शुरू करती हूँ 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. तो आइए, यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये लिविंग थिंग्स हैं. और इनमें मेन डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? यहाँ देखो, ये बेचारी एक टेबल अकेली है, ये एक जोड़ी सॉक्स है पर इसकी जोड़ी, इसका पेयर अकेला है, ये एक कार अकेली घूम रही है, ये एक डॉल है, ये एक कोम्ब है, ये एक पहाड़ है, ये अकेले अकेले पड़े हैं. पर यहाँ देखिए, ये हस्बैंड एंड वाइफ ने पूरी फैमिली बना ली है. ये हाथी, इसका भी बेबी है, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है. यानी एनिमल्स ये सब रिप्रोड्यूस कर लेंगे, ये पेड़ ये सब रिप्रोड्यूस कर लेंगे. यानी कि एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, और वो ये कि लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकता है. क्या है इसका मतलब? आइए इसको हम समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, नाउ आप सबको एक बेसिक आइडिया है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना. पर क्या सिर्फ इतना? क्या एक हाथी से एक बंदर पैदा हो सकता है? क्या एक डॉग से एक कैट पैदा हो सकते? नहीं. यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस. हम सारी थ्योरी देख लेंगे, अभी सिर्फ फोकस करो लेक्चर पर. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड. एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, सिमिलर ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देना. यानी बंदर से बंदर और हाथी से हाथी. ऑफकोर्स फीमेल हाथी फीमेल बंदर, राइट? उसी से पैदा होगा बच्चा. सो सिमिलर ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अब हमने बहुत सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर हम पढ़ते हैं 11th के भी, डाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, लोकोमोशन, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम. इस सिस्टम में क्या खास है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या खासियत है? स्टूडेंट्स, हम में से कोई भी क्या शिव जी से अमरता का वरदान लेकर आया है? क्या हम में से कोई भी समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत पीकर आया है? नहीं. यानी हम सब क्या हैं? हम सब मॉर्टल बीइंग्स हैं. और अगर हम सब मॉर्टल हैं, यानी हम सब पैदा होते हैं और हम सब मरते हैं. हालांकि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इमॉर्टल हैं, जिन्हें शिव जी ने वरदान दिया है सदा जीवित रहो. वो कौन है वो भी हम बात करेंगे, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. बट अदरवाइज एक मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हम सब मॉर्टल हैं, यानी हम सबकी डेथ होती है. तो अगर एक कपल है और उसकी डेथ हो गई, और इस तरह से करके मान लो पूरी पॉपुलेशन की डेथ हो गई, पूरी स्पीशीज की डेथ हो गई, और अगर उनको रिप्रोडक्शन का फिनोमिनन नेचर ने नहीं दिया तो वो स्पीशीज तो खत्म हो जाएगी, वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी. यानी रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो इम्पॉर्टेंट है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, या हम ये भी कह सकते हैं फॉर मेंटेनिंग स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसके लिए फंडामेंटल प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन. क्या आपने कभी सुना है कि कोई नॉन लिविंग थिंग ने रिप्रोड्यूस किया? कभी नहीं. इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक फंडामेंटल फीचर है. फंडामेंटल फीचर, आधारभूत फीचर किसका? लिविंग का. अब यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ स्टूडेंट्स, आपको मुझे जवाब देना है कि क्या ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है? मैं क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको समझाऊंगी. डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कोई ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ लिविंग में है और किसी नॉन लिविंग में नहीं है और हर लिविंग में है, तो उसे डिफाइनिंग कहते हैं. सोचो और बताओ, जिसने जिसने पढ़ लिया है वो तो बता देगा, बाकी लोग सोचिए क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? क्या रिप्रोडक्शन हर लिविंग में है और हर नॉन लिविंग में नहीं है? क्वेश्चन आता है डायरेक्ट.
स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन आप कहोगे मैम हर लिविंग तो रिप्रोड्यूस करता है, नहीं, यहाँ पर तीन एक्सेप्शन हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली वर्कर हनी बीज, मैं आपको पढ़ाऊंगी, वर्कर बीज स्टेराइल होती हैं, जी हाँ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, हनी बीज की बात कर रही हूँ, वर्कर बीज की। म्यूल खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, हर बार एक नया खच्चर बनाने के लिए एक गधा और एक घोड़ी का क्रॉस कराना पड़ेगा, अपन सब पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज चैप्टर में, ये बिल्कुल बेसिक्स है। और जिसकी मैं स्पेशलिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी यानी निःसंतान दंपत्ति, आप सबको पता है ना मैं MBBS MS गायनेक डॉक्टर हूँ, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये तो मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जब पढ़ाऊंगी तो आपको मेरे चेहरे पे वैसे तो स्माइल रहती है पर और डबल स्माइल दिखेगी। सो इनफर्टाइल कपल यानी ऐसे कपल, ऐसी दंपत्ति जिनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। सो ये तीन एक्सेप्शन हैं दोज हु डोंट रिप्रोड्यूस, और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है। हाँ किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन हर लिविंग में भी नहीं होता, इसीलिए इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। फंडामेंटल फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। व्हाई? बिकॉज ये इसके एक्सेप्शंस हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब और क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का? स्टूडेंट्स मान लीजिए हम जैसे रिप्रोडक्शन की बात करें, आप सबको एक बेसिक आइडिया, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक में करण जौहर और सुष्मिता सेन जैसे पेरेंट्स होंगे, इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, एकता कपूर तुषार कपूर वैसे पेरेंट्स होंगे, और एक में माधुरी दीक्षित काजोल अजय देवगन आमिर खान किरण राव नॉर्मल पेरेंट्स होंगे। यानी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वन पेरेंट इन्वॉल्व है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है। हमने ये समझा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स जब बनते हैं तो मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होती है तो आप जानते हो पेकाइटिन स्टेज में यानी प्रोफेज वन की पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और यही कारण है कि हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी जेरोक्स कॉपी नहीं है, हम उनसे डिफरेंट हैं, हमारे अंदर वेरिएशंस हैं, और इन्हीं भिन्नताओं के कारण विकास होता है यानी इवोल्यूशन होता है। तो अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो क्योंकि रिप्रोडक्शन ऑफकोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस नेचर में होता है, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आए, भिन्नताएं आई, और विथ टाइम इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, और अलग अलग नई नई स्पीशीज बनी। यानी कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है किसके लिए? वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन के लिए, वरना नहीं होता ऐसा। वरना जो स्पीशीज शुरू में बन गई है यूनिवर्स में, अर्थ पे, वही आज भी होती, कोई विकास नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दीज वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन हैपन। सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। आइए चलिए पहले हम इस थ्योरी को क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। सो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पर सिमिलर ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ दिया जाता है। मैं क्विकली लूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फंडामेंटल फीचर है ऑल लिविंग का, पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आई हुई लाइंस हैं जो एज इट इज़ नोट्स में है, ताकि आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना पड़े। फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस और इसी के कारण इवोल्यूशन होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टू टर्म्स। फर्स्ट है लाइफ स्पैन, और एक वर्ड है स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनमें क्या डिफरेंस है आइए समझते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी लाइफ स्पैन का क्या मतलब है? कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक बच्चा पैदा हुआ, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, वो बर्थ ली उसने, और बर्थ से लेके जब वो नेचुरली मर गया यानी उसकी नेचुरल डेथ हुई, इस टाइम ड्यूरेशन को लाइफ स्पैन कहते हैं। किसी भी स्पीशीज की मैक्सिमम टाइम जब वो पैदा होने से लेके मरने तक की जिंदगी जीता है उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। द टाइम इंटरवल बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का लाइफ स्पैन जो है वो 100 से 120 ईयर्स माना जाता है। अभी मैं एक स्टोरी से सभी लर्न कराऊंगी, पर क्या हर इंसान, क्या हर ह्यूमन 120 ईयर्स तक जीता है? नहीं,
हाँ जी सकता है, ये नेचर ने बनाया है, पर जीता नहीं है। जीता कितना है? एक एवरेज, एक 50% पॉपुलेशन की बात करें तो हम कितना जीतते हैं? 65-70, इतना। उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एवरेज लाइफ स्पैन, मतलब एक एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज मतलब 50% पॉपुलेशन जितने समय तक जिंदा रहती है उसे कहते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये स्पीशीज का कैरेक्टर है, जैसे ह्यूमन, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, मतलब नीग्रो है, एशियन है, कॉकेशियन है, कोई भी है, वो 120 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, पर रहता नहीं है। ये पॉपुलेशन का कैरेक्टर है। क्यों क्यों है ये पॉपुलेशन का कैरेक्टर स्टूडेंट्स? क्योंकि अमेरिका में अलग तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर 50% पॉपुलेशन हो सकता है हमसे ज़्यादा एवरेज जिंदा रहती हो। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 ईयर्स है, यानी हमारी 50% पॉपुलेशन 67 ईयर्स तक जिंदा रहती है। रह सकती कितना है? 120 ईयर्स तक, पर 50% एवरेज पॉपुलेशन रहती कितना है? 67 ईयर्स तक। तो मुझे सोचकर बताइए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर फिक्स्ड होगा फॉर अ पॉपुलेशन? ये फिक्स्ड है, ये तो पूरी स्पीशीज का कैरेक्टर है। पूरे होमो सेपियन ह्यूमन बीइंग्स 120 ईयर्स तक रह सकते हैं, पर ये पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, यानी ये वेरी करेगा फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन में कुछ और होगा, अफ्रीकन पॉपुलेशन में कुछ और होगा, चाइनीज में कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि वहां की कंडीशंस, अवेयरनेस, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ डिफरेंट होगा। सोचकर बताइए क्या लगता है आपको कि जैसे जैसे समय बीता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी होगी या कम हुई है? सोचिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं, अवेयरनेस हो गई है, बाबा रामदेव की मेहरबानी से सब योगा करने लग गए हैं, फिट रहने लग गए हैं। आप आजकल देखिए रोड्स पे आपको कितने बुजुर्ग मिलेंगे, बढ़िया 75-80 ईयर्स तक लोग जिंदा रहते हैं, यानी कि एक एवरेज लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है विथ ईयर्स हर कंट्री की। क्यों? बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी 67 ईयर्स है एवरेज। इतना क्लियर हो गया। अब हमें कुछ एनिमल्स के लाइफ स्पैन को स्टडी करना है, बट आइए पहले हम इतनी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। चलो एक चीज़ और बताती हूँ, लाइफ स्पैन जो है उसकी स्टेजेस क्या क्या होंगी, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। देखिए बहुत इजी है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं, समझिएगा। सबसे पहले तो कोई पैदा होगा, तो सबसे पहली स्टेज हुई बर्थ, जन्म लिया। बर्थ के बाद क्या तुरंत रिप्रोडक्शन होता है? नहीं, उसके पहले चाइल्डहुड आता है, बचपन आता है, जहां पर की ग्रोथ तो होती है, हम ग्रो तो कर रहे हैं पर अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जुविनाइल फेज। जुविनाइल यानी यहां पर ग्रोथ तो है पर रिप्रोडक्शन नहीं है, यानी नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोइंग फेज इसे कहेंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोइंग फेज। और अब जो मैं बता रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसी फेज को प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। एनिमल्स में जुविनाइल और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जब रूट्स बन रही हैं, लीव्स बन रही हैं, स्टेम बन रही है, अभी फ्लावर नहीं बना, अभी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बने, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अभी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो जो ग्रोइंग फेज है पेड़ का उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आएगा रिप्रोडक्शन का फेज, जहाँ एक्चुअली रिप्रोडक्शन होगा। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो जब प्यूबर्टी आती है, जिसके बाद एग स्पर्म्स फर्टिलाइज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगी एजिंग, यानी उम्र बढ़ना शुरू हो गई है, धीरे धीरे बॉडी के सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो डाउन होंगे, और फिर आएगा बुढ़ापा, जिसे कहते हैं सेनेसेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलिए? सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब जब बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परमानेंटली स्लो डाउन होने लग जाएंगे। कई बुक्स में इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, एजिंग और सेनेसेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। एजिंग मतलब स्लो डाउन होना शुरू हो गया, जैसे 40-45 की एज से स्लोइंग डाउन शुरू हो जाती है, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, आया नहीं है वो एजिंग है। और सेनेसेंस मतलब 50-55 की एज के बाद जब धीरे धीरे सब परमानेंट चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में, डिटोरिएटिंग चेंजेस, उसे सेनेसेंस कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली डेथ। आइए देखते हैं इसे। सो यहाँ पे देखिएगा, लाइफ स्पैन मतलब पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, और ये स्पीशीज का कैरेक्टर है, ध्यान रखना।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ स्पैन 50% पॉपुलेशन जब तक जिंदा रहती है, ये पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, समय के साथ इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, डेथ रेट कम हो गई है और इंडिया का 67 ईयर्स है। नाउ स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, सबसे पहले बर्थ, फिर जुवेनाइल यानी नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोइंग फेज, बहुत ध्यान रखना इसी को प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन एजिंग, देन सेनेसेंस या बुढ़ापा एंड फाइनली डेथ। यहाँ मैंने एक बात लिखी है जो मैंने आपको क्लास के शुरू में भी कही थी कि हम सब मॉर्टल हैं यानी मरते हैं, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन शो करते हैं वो अमर हैं, इमॉर्टल हैं, क्यों, उसे हम आज की क्लास में आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, ये डायरेक्ट लाइन है जो क्वेश्चन आता है, हर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं, वो जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे होगा रिप्रोडक्शन? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले डीएनए डबल होगा ताकि वो डॉटर सेल में जाए, फिर सेल डिवाइड हो जाएगा। अब सेल डिवाइड होने के बाद में वो सेल ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे, पूरी बॉडी बनेगी, माइटोसिस से डिवाइड करते जाएंगे, ऐसा समझो एक जाइगोट बना, फिर डिवीजन होता गया, सेल्स ग्रो करते गए, पूरी बॉडी ग्रो करती गई और फिर बनेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो टेस्टिस हैं, ओवरी हैं, उनके अंदर स्पर्म्स हैं, ओवा है, यानी गैमीट्स बनेंगे और फिर वो गैमीट्स जो हैं वो फाइनली फ्यूज करके और फिर से एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स, बेसिक फीचर्स होते हैं ऑफ रिप्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन, राइट? चलिए आइए तो हम शुरू करते हैं, हम इसे एक बार रब कर देते हैं और एक स्टोरी के साथ मैं आपको वो पढ़ाने वाली हूँ, आपको मज़े आ जाएंगे क्योंकि ये एक लव स्टोरी है, एक हस्बैंड एंड वाइफ की लव स्टोरी, इसमें एक दूसरे के लिए प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, केयरिंग है, शेयरिंग है और बहुत सारा लव एंड रिस्पेक्ट है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना, इस कहानी को सुनते ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये कहानी है एक इंसान की जिसका नाम है मैन, जी हाँ उसका नाम ही है मैन, और उसकी वाइफ है रोज, मैन एंड रोज, मैं मैन लिख देती हूँ, मैन एंड रोज। मिलियनियर है, करोड़पति हैं दोनों। जब मैन बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जब वो 120 इयर्स का हो गया, कितने साल का, 120 इयर्स का, तो उसने अपनी वाइफ से एक दिन शेयर किया कि बोला यार मैंने बहुत माल कमा लिया, बहुत काम कर लिया, बट सच कहूँ तो ये सब ना मेरे मन का नहीं, अब तो मेरा मन उठ गया इन सब चीज़ों से, मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक शांत जगह जाऊँ और बढ़िया एक नेशनल पार्क अपना डेवलप करूँ और वहाँ, बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, और उसे मेंटेन करूँ। रोज़ वॉज वेरी सपोर्टिव एज अ वाइफ, उसने कहा बिल्कुल क्या करना है, मेरे को तो आपकी खुशी चाहिए, चलो चलते हैं अपन। वो दोनों पहुँच गए अफ्रीका। अफ्रीका में एक नेशनल पार्क था जो सालों से बंद पड़ा था, नोबडी वॉज टेकिंग केयर ऑफ इट, उन्होंने उसे खरीद लिया। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें 5 यानी 3 प्लांट्स और 2 एनिमल्स ऑलरेडी उस नेशनल पार्क में मिले। क्या क्या थे सुनिएगा। सबसे पहले वहाँ पर एक रेड वुड ट्री था, पता है कितने साल पुराना था स्टूडेंट्स, 4000 से 5000 साल पुराना, जी हाँ उसे सिकोया भी कहते हैं, यानी रेड वुड ट्री, और ये था स्टूडेंट्स 4000 से 5000 ईयर्स पुराना। वहीं उनको एक पीपल का पेड़ मिला जो इससे जस्ट आधी उम्र का था, पीपल आधी उम्र मतलब 4000 का आधा, ऐसे ही याद करना है आपको 2000, तो 2000 से 3000 ईयर। अब आप ये मत बोलना मैम आपको यहाँ पे 2000 से 2500 लिखना चाहिए, मैं 4000 का आधा मान रही हूँ। और यहाँ पर उन्हें साथ में मिला एक बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ मतलब बैनियन ट्री, जनरली यही पेड़ होते हैं जो हमें बहुत पुराने पुराने मिलते हैं। ये इसकी 10% उम्र का था, मतलब अगर पीपल का पेड़ 2000 साल का है तो ये कितना हो गया, बोलिए बोलिए 200 साल, सो 200 टू 300 ईयर, कुछ बुक्स में 200 से 400 लिखा रहता है, एक ही बात है। तो ये 3 तो उन्हें प्लांट्स मिले और 2 एनिमल्स मिले, कौन कौन मिला, एक उन्हें मिला कछुआ, टॉर्टॉइस, वहाँ वाटर बॉडी थी उसमें आराम से खेल रहा था, और ये था इससे 50 ईयर्स छोटा यानी 150 साल का, और एक उन्हें वहाँ बड़ा प्यारा तोता मिला यानी पैरट, जो इससे 10 साल छोटा यानी 140 ईयर्स का था। तो क्या क्या मिला उनको, मेरे साथ फिर से बोलिए, एक तो उन्हें मिला रेडवुड ट्री 4000 से 5000 ईयर्स ओल्ड, एक पीपल का पेड़ जो उसकी आधी उम्र का यानी 2000 से 3000 साल, एक बैनियन ट्री जो इससे भी 10% यानी 200 से 300 ईयर्स ओल्ड, एक टॉर्टॉइस 150 साल, और एक चिड़िया बर्ड पैरट 140 ईयर्स। अब उन्होंने वो गए तो वो बड़ी बुरी हालत में था,
नेशनल पार्क, तो मैन जो है वो एक हाथी लेकर आया. क्या लेकर आया? हाथी, जो उस तोते से, उस पैरट से आधी उम्र का था. स्टूडेंट्स, यानी एलिफेंट लेकर आया जो 70 ईयर्स का था. ये 140 है, वो 70 ईयर्स का था. क्यों लेके आया हाथी? देखो, एक तो हाथी के ऊपर बैठ के पूरा इंस्पेक्शन कर सकता है, फिर हाथी की मदद से लैंड की लेवलिंग हो सकती है, फिर हाथी लॉग ऑफ वुड्स वगैरह हटा सकता है, और हाथी पे ही बैठ के वो बाजार सामान लेने भी जा सकता है. कुछ दिन हुए, रोज़ देखती थी, रोज़ देखती थी अपने हस्बैंड को हाथी से जाते हुए. उसको लगा यार इतना टाइम इनका वेस्ट हो जाता है, इतना थक जाते हैं हाथी धीरे धीरे, कब जाता है कब आता है. तो उसने कहा मैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ, और उन्होंने उसे गिफ्ट किया एक घोड़ा, इसी से 10 साल छोटा. तो एक हॉर्स लेकर आए, वो 60 ईयर्स ओल्ड हॉर्स आ गया घर में. अब क्या हुआ, घोड़े के आने के बाद में स्टूडेंट्स बढ़िया तेज़ी के साथ काम होने लगा, फटाफट वो मार्केट जाने लगे. पीछे से लेकिन ना हस्बैंड को बहुत टेंशन रहता था वाइफ का, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो क्या करें. तो हस्बैंड ने कहा यार एक खतरनाक सा जानवर पालते हैं जिससे सब डरते हो, सब दूर भागते हो, और वो लेकर आया इससे और 10 साल छोटा एक क्रोकोडाइल. मगरमच्छ, नाम से ही सुन के घबरा जाते हैं, कहते हैं मगरमच्छ पकड़ता है शिकार को तो भले ही खाए नहीं लेकिन छोड़ता भी नहीं, इतनी गहरी पकड़ है. तो वो लेकर आ गए एक क्रोकोडाइल. राइट नाउ क्रोकोडाइल अकेला था, थक जाता था तो रात को सो जाता था, और रात को प्रोटेक्शन ही नहीं हो पाता था. तो फिर वो लोग लेकर आए एक डॉग. अब डॉग उनको यंग चाहिए था, एनर्जेटिक चाहिए था. क्रोकोडाइल से आधी उम्र का कुत्ता लेकर आए, जी हाँ 25 ईयर्स ओल्ड लेकर आए. इसके बाद उन्होंने सोचा चलो क्यों ना अपन खुद ही अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स खुद ही करें. तो उन्होंने यहाँ पे गाय पालना शुरू करी, काऊ, वो भी सेम एज की थी 25 ईयर्स. और गाय को खाने के लिए बनाना चाहिए, तो उन्होंने बनाना के केले के पेड़ भी लगा दिए, वही 25 साल ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड. और हमेशा आपने फोटोज़ में देखा होगा जहाँ गाय होती है वहाँ गाय के ऊपर कौन बैठा रहता है? कौआ, क्रो. तो जैसी गाय आई तो साथ में क्रो भी आने लग गया. वो गाय से छोटा था, 15 साल की उम्र का. ये मैं क्या लिख रही हूँ? ये मैं लाइफ स्पैन लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, लाइफ स्पैन है ये. मैंने सीरियल ऑर्डर में लिखे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाए. फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि सब हो गया, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, सारे एनिमल्स आ गए, सब बढ़िया, अच्छा सुंदर लग रहा है, प्लांट्स है खूब बढ़िया, अब इसको खूबसूरत बनाया जाए. और खूबसूरत जब बनाते तो कौन सा फूल है, कौन सा फ्लावर है जो आपके दिमाग में आता है बताइए मुझे? वही जो उसकी वाइफ का भी नाम है, जी हाँ रोज़. और रोज़ कितने तरह के होते हैं? कम से कम 5-7 तरह के रोज़ तो होते हैं. रेड रोज़, पिंक रोज़, वाइट रोज़ है, जी हाँ एक ब्लैक रोज़ भी आता है, येल्लो रोज़. तो 5 to 7 टाइप के रोज़, इसीलिए रोज़ का लाइफ स्पैन है 5 to 7 ईयर्स. तो रोजेस भी लगा दिए उन्होंने. अब ये सब करने के बाद उन्होंने सोचा चलो थोड़ी सी खेती भी कर लेते हैं भाई. गेहूं, चावल जो अपन मोटा मोटा स्टेपल डाइट है, सीरियल्स, अनाज, ग्रेन, वो तो अपन यहाँ उगा लें, इतनी ज़मीन है. तो वीट एंड राइस वो भी उन्होंने ग्रो किए. वीट एंड राइस ये है मंथ, इसकी होती है 5 मंथ और इसकी होती है 4 मंथ. और जैसे ही खेती होगी, जैसे ही गेहूं चावल लहलाएंगे, उस पे आकर बैठेंगी तरह तरह की फ्लाइज. जी हाँ, सबसे पहले ड्रोसोफिला आई यानी फ्रूट फ्लाई, फिर तितलियाँ खूबसूरत यानी बटरफ्लाई, और फिर आई मे फ्लाई. फ्रूट फ्लाई की जो एज होती है वो है 1 मंथ यानी लाइफ स्पैन, बटरफ्लाई की अराउंड 2 वीक्स यानी 15 दिन, और मे फ्लाई की स्टूडेंट्स 1 डे. समझ रहे हो आप? 1 डे मतलब इसका लाइफ स्पैन 1 डे है, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक 1 डे में सब कुछ हो जाता है. यानी मान लो कि आज अगर ये 12 बजे पैदा हुई तो अगले दिन 12 बजे तक के बीच में ये पैदा हुई, जुवेनाइल फेज ग्रो करी, रिप्रोड्यूस किया, बूढ़ी हुई और मर गई. सब कुछ एक दिन में हो जाता है, विद इन 24 आवर्स. इसीलिए इसका शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है. और ये क्वेश्चन आता है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन किसका है? सिकोया या रेडवुड ट्री का. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल कौन सा है, तो दिस इज लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल. और ये सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये स्टोरी याद है तो आप कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे. तो आइए अब हम इस स्टोरी को देखते हैं. ये लाइफ स्पैन है, देखो जैसे डॉग है, डॉग का लाइफ स्पैन 25 ईयर्स है, यानी डॉग मैक्सिमम 25 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है. पर डॉग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है? एक एवरेज डॉग कितना जिंदा रहता है? 12-15 साल, 12 to 15 ईयर्स, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. बट लाइफ स्पैन 25 ईयर्स ही होगा. राइट, चलिए आइए देखते हैं. सो
लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टॉर्टोइज लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल है स्टूडेंट्स, ये भी हमने देख लिया. मे फ्लाई में आप लिख सकते हो शॉर्टेस्ट लिविंग एनिमल या ऑर्गेनिज्म. ये है एनसीईआरटी का चार्ट और इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. अब आप सब कुछ खुद फिल कर सकते हैं. चलिए हम लोग इसे फिल कर लेते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे. लेट्स सी क्या आएगा इसमें. देखिए एलिफेंट हाथी कितना लाया था, तोते से आधी उम्र का यानी 70 ईयर्स. रोज 5-7 तरह के होते हैं यानी 5 to 7 years. देखो कितना ईजी है. नाउ डॉग कितना है, 25 ईयर्स. डॉग और काऊ दोनों होते हैं 25 ईयर्स. ये रही काऊ, इसको भी लिख दो 25 ईयर्स. और गाय के ऊपर कौआ बैठता है, ये रहा इस पे बैठने के लिए, इससे 10 साल छोटा. पैरट हमने ऑलरेडी पढ़ा है 140 ईयर्स का. फ्रूट फ्लाई मैंने आपको बताया है 1 month होता है, 1 month. जबकि बटरफ्लाई 1 to 2 weeks होती है. नाउ बनाना ट्री कितना था, जितनी गाय कुत्ता और केले का पेड़ सब कुछ सेम था 25 ईयर्स का. हाथी से 10 साल छोटा था क्रोकोडाइल, याद है आपको पहले हाथी आया था. वन सेकेंड, पहले हाथी आया था क्रोकोडाइल, सॉरी इसको चेंज कर लेना, फिर घोड़ा आया था. पहले हाथी और प्रोटेक्शन के लिए क्रोकोडाइल रख लिया था, फिर वाइफ ने घोड़ा लाई थी और फिर इन्होंने डॉग भी रखा था. मैं अभी उसे चेंज कर दूंगी. अब राइस प्लांट कितना होगा, वीट 5 months और राइस 4 months. नाउ टॉर्टोइज लॉन्गेस्ट लिविंग 100 से 150 ईयर्स. एक चॉइस आएगी तो 150 ईयर्स लगानी है. और बैनियन ट्री बरगद का पेड़ कितना था, 200 से 300 या कभी कभी 400 ईयर्स भी लिख देते हैं, जो भी रेंज दी हो वो लगा देना. ऐसा कभी नहीं आएगा 200 से 300, 200 से 400, ऐसा कभी भी नहीं आएगा. तो बैनियन ट्री 200 ईयर्स एवरेज. पीपल ट्री इसका 10 times यानी 2000 to 3000 ईयर्स. और रेडवुड ट्री उसका भी डबल यानी 4000 से 5000 ईयर्स. सो दिस इज द एंटायर टेबल विच वी कैन फिल. आइए हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार क्विकली, ताकि गड़बड़ नहीं हो. इसको एक्सचेंज कर लेना आप यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा हॉर्स हो जाएगा 50 ईयर्स और क्रोकोडाइल हो जाएगा 60 ईयर्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. अब आइए यहाँ पर हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पढ़ते हैं. यहाँ देखिएगा, इसको देखो क्रो कौआ और पैरट को देखो. क्रो एंड पैरट, क्या इन दोनों का साइज सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. तोता और कौआ एक सा रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बर्ड्स हैं, लेकिन लाइफ स्पैन क्या सेम है, नहीं. ये 15 साल जीता है और ये 140 साल तक जी सकता है, ऑलमोस्ट 10 times. ऐसे ही स्टूडेंट्स मैंगो ट्री की अगर हम बात करें, मैंगो तो एक आम का पेड़ और एक पीपल का पेड़ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम दिखने में होते हैं, सेम साइज सेम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों एंजियोस्पर्म्स हैं डाइकॉट्स हैं. लेकिन मैंगो ट्री 200 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली रहता है, 200 से 300 ईयर्स. बैनियन बरगद के पेड़ जितना और पीपल 10 times रहता है. यानी हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि दो ऑर्गेनिज्म का अगर साइज सेम है या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल सेम है तो उनका लाइफ स्पैन सेम होगा, नहीं ऐसा नहीं है. ये हर ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल होता है और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ये हमें रटे होने चाहिए. लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विद साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. एग्जांपल क्रो एंड पैरट, मैंगो एंड पीपल ट्री, दिस शुड बी लर्न बाय हार्ट. अब आइए हम स्टूडेंट्स आते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर. देखिए समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो हैं करण जौहर, वो हैं एकता कपूर, वो है तुषार कपूर, यानी कि जहाँ पर एक ही पेरेंट है. अब ऑफ कोर्स उनके सेकंड पार्टनर तो हो गई, एग और स्पर्म से मिलकर ही उनके बच्चे बने हैं. कौन कौन है उनके बच्चे, वो तो आपको नाम रटे होंगे, लक्ष्य यश रूही है ना रवि, आपको भले ही बायो आती हो या नहीं आती हो पर वो नाम ज़रूर आते होंगे. बट एनीवेज, तो उनके जो हम कह सकते हैं कि वो यूनी पेरेंटल है, उन बच्चों के एक ही पेरेंट है. तो यूनी पेरेंटल अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो उसे कहते हैं स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि अगर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है बाय पेरेंटल तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. या एक बात को समझो बहुत अच्छे से समझना,
देखो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल है मतलब टेस्टिस है, ओवरी है यानी स्पर्म बन रहा है, एग बन रहा है, फ्यूजन हो रहा है यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आप कहोगे मैम वो तो यूनिपेरेंटल हो गए ना। नहीं, जैसे टेप वर्म, मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे टेप वर्म, टेप वर्म जो है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, यानी एक ही टेप वर्म का स्पर्म एक ही उसी टेप वर्म के एग के साथ फर्टिलाइज करता है। तो यहां पर इसे यूनिपेरेंटल कहें कि बायपेरेंटल? देखो यहां मतलब ये है कि दो पेरेंट्स तो बनी रहे हैं ना, एक पेरेंट भले ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दो टाइप के गैमीट्स तो बन रहे हैं ना, तो इसे भी क्या कहा जाएगा? बायपेरेंटल ही कहा जाएगा, राइट? सो यूनिपेरेंटल है तो एसेक्सुअल और बायपेरेंटल है तो सेक्सुअल। आप एक मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर हम इसे और डिस्कस करते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में क्या होता है कि एसेक्सुअल मतलब गैमीट्स भी नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, सेक्सुअल मतलब गैमीट्स भी बनते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होता है। ये गलत है। फर्टिलाइजेशन ऑफकोर्स सेक्सुअल में होगा क्योंकि टू गैमीट्स बनेंगे, वो दोनों फ्यूज करेंगे, लेकिन एसेक्सुअल में गैमीट्स बन सकते हैं, मे फॉर, बट फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, विथ और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। हम आगे जैसे जैसे बायो पढ़ेंगे, हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिर भी गैमीट्स बनते हैं पर वो कभी फ्यूज नहीं होते। तो ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, ये की फीचर है, इसीलिए हम पढ़ेंगे की फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि वो सिर्फ सेक्सुअल में होगा, एसेक्सुअल में नहीं, पर गैमीट फॉर्मेशन एसेक्सुअल में मिल सकता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नाउ यहाँ पर हमेशा सिर्फ माइटोसिस होगा, कोई मियोसिस नहीं, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, कोई वेरिएशंस नहीं, कोई रोल नहीं है इसका एवोल्यूशन में, विकास में। इसका मतलब है जैसा पेरेंट उसकी कार्बन कॉपी बनेगा डॉटर सेल्स, और इन्हें क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स कैसे होते हैं, ना जाने कितनी बार नीट में क्वेश्चन आया है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, बिल्कुल अपने पेरेंट्स और आपस में बिल्कुल सेम। मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने में, बाहरी बनावट में, और जेनेटिकली मतलब जीन्स में पूरे के पूरे सेम हैं। पूरी कॉलोनी जो बनी उसे तो क्लोन्स कहेंगे, और उसकी एक एक यूनिट को रैमिट कहते हैं। जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ मियोसिस होगा, माइटोसिस तो होता है पर मियोसिस भी होता है, और क्योंकि मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगी, वेरिएशंस होंगे, एवोल्यूशन में उसका रोल होगा, और क्लोन्स नहीं बनेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोन की डेफिनेशन। नाउ सो ऑलरेडी रिटन, एसेक्सुअल में नो रोल इन एवोल्यूशन, रोल इन एवोल्यूशन, नो वेरिएशंस, वेरिएशंस। अब फास्टर कौन होगा सोचो, कौन कौन जल्दी से हो जाएगा? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, बाइनरी फिजन कितनी जल्दी होता होगा, ना मियोसिस होना है ना फर्टिलाइजेशन होना है, कितना ईजी है। तो एसेक्सुअल फास्टर है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, और सेक्सुअल स्लोअर है। और जो फास्टर है वो ऑफकोर्स बड़ा सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मियोसिस वगैरह सब कुछ होगा। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल में कौन होगा, इस बात को समझो। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ एसेक्सुअल करते हैं। अब एक बात सोचो आप, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या कुछ और एल्गी हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर वो सच में सिर्फ एसेक्सुअल करते हैं तो वो तो आज तक सेम होने चाहिए थे ना, उनमें वेरिएशन कैसे आ गए? स्टूडेंट्स एक्चुअली जब फेवरेबल कंडीशन है, जब सब कुछ अनुकूल है, वो नहीं चाहते ज़्यादा एनर्जी खर्च करना, तो बड़ा सिंपल सा फास्ट सा प्रोसेस यानी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी बाहर का वातावरण प्रतिकूल हो गया है, हो सकता है पानी की कमी हो सकता है बहुत गर्मी हो सकता है बहुत सर्दी हो, बहुत धूप हो, खाने की कमी हो, तो वो क्या करें? अगर वो वैसे के वैसे रिप्रोड्यूस हुए तो उनके लिए तो वो एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है, तो वो तो मर जाएंगे। तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्विच करते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। वो स्विच करते हैं, क्यों स्विच करते हैं वो स्टूडेंट्स? वो इसलिए स्विच करते हैं ताकि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो, मियोसिस हो, वेरिएशंस आए, तो चांस है कि कोई ऐसा वेरिएशन आ जाए जो उन्हें इस प्रतिकूल अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करवा दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट अनफेवरेबल कंडीशन आने पे दे स्विच टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप कहोगे कि मैम एसेक्सुअल के इतने सारे घाटे हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है वो फास्ट है,
सिंपल एंड फास्ट, तो बहुत कम टाइम में हमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मिल सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक घंटे में ना जाने कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे, पर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होगा। बड़े दिन बाद जाके, सालों बाद जाकर, एक प्रेगनेंसी में 9 महीने बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा, 2-3 ट्रिपलेट्स होंगे, जैसे हम IVF में करते हैं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है की फीचर सेक्सुअल के, कोई पूछे, कोई ऐसे दो इवेंट्स जो सिर्फ सेक्सुअल में होते हैं, एसेक्सुअल में नहीं। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, गैमिट फॉर्मेशन नहीं, गैमिट फॉर्मेशन एसेक्सुअल में भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब यहां एक बात और देखिएगा, क्योंकि यहां पर बेसिकली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई गैमिट्स तो बन सकते हैं, मोस्टली नहीं बनते, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसीलिए इसे सोमैटोजेनेसिस या ए गैमोजेनी बोलते हैं। आपको पता है गैमोस का मतलब क्या है? गैमोस का मतलब होता है स्टूडेंट्स शादी, मैरिज। दिस इज इक्वल टू मैरिज, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे लड़का लड़की मिलते हैं ऐसे ही दो गैमेट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसे ए गैमोजेनी भी कहते हैं या सोमैटोजेनेसिस भी कहते हैं, राइट? सो दिस दीज आर द डिफरेंसेस। यानी अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एग्जैक्ट क्लोन्स बनेंगे, वो एसेक्सुअल, और अगर टू डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, भले ही एक ऑर्गेनिज्म है पर टू गैमीट्स बन रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हमें पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और ऑफस्प्रिंग्स एक दूसरे से भी क्लोन्स हैं, आइडेंटिकल हैं मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, और पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल हैं। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता होगा? नॉर्मली अपन क्या सोचते हैं? सिंगल सेल। अपने को एसेक्सुअल के नाम पे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन याद आता है, यानी हम सोचते हैं कि बैक्टीरिया या प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा कौन होते हैं? प्रोटेस्टा में अपन ने क्या पढ़ा है, इसमें तो सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, आपको पता है प्रोकैरियोट्स, और इसमें क्या आते हैं? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, यानी ये सब यूनिसेल्यूलर है। जैसे इसमें प्रोटोजोआ आता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ लाइक जियार्डिया, लिशमानिया याद आ रहा है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ लाइक पैरामीशियम, वो सब इसमें आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई एटम्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब हो गए सिंगल सेल्ड। बट स्टूडेंट्स हम भूल जाते हैं कि मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, प्लांट्स में भी जो सिंपल वाले फॉर्म्स हैं उनमें भी ये मिलता है। जैसे मैं जब एनिमल किंगडम पढ़ाती हूँ, स्पॉन्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स याद करना, हाइड्रा अभी मैं पढ़ाऊंगी, हाइड्रा, स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा, ये सब मल्टी सेल्यूलर एनिमल किंगडम में आते हैं, बट लोअर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और इवन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी प्लांट किंगडम में आता है, फंजाई तो अलग ही किंगडम है, ये सब मल्टी सेल्यूलर हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ यूनिसेल्यूलर में होता है, मल्टी सेल्यूलर विथ सिंपल बॉडी। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स कह रही हूँ मैं, जैसे बनाना, रोज, इमली का पेड़, ये सब जो बड़े बड़े पेड़ हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जी हाँ, केले का पेड़ बनाने के लिए केली का पेड़ नहीं चाहिए, केले के पेड़ से ही उसका एग्जैक्ट कॉपी बन सकता है, नेचुरली नेचर ने बनाया है, हम पढ़ेंगे कैसे, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन NCERT की लाइन्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंगल सेल्ड में हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर हायर प्लांट्स, पर हायर एनिमल्स में नहीं मिलता। आप देख सकते हो सिंपल एनिमल्स में मिलेगा, बट हायर एनिमल्स में नहीं मिलता, बट हायर प्लांट्स में मिलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और हम इसे भी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे ऐसा समझो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसी लेडी है जिसने शादी नहीं की, बट जिसने बच्चे अडॉप्ट करे हैं, बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट करे हैं, जैसे सनी लियोन ने बच्चे अडॉप्ट करे हैं, सनी लियोन की तो शादी भी हुई है, सुष्मिता सेन परफेक्ट एग्जाम्पल है, विदाउट मैरिज 2 daughters शी हैज अडॉप्टेड, डन अ ग्रेट जॉब। तो ये जो मिसेस ब्राउन, मिस ब्राउन है, जिन्होंने शादी नहीं की है, उन्होंने बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट करे हैं, वो यूनिपेरेंटल हैं, सिंगल पेरेंट हैं। पहला बच्चा है उनका फिजन। फिजन मतलब ये क्या करता है, मिस ब्राउन बहुत रिच हैं, इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, तो फिजन मतलब ये एक ऐसा लड़का है, इन सब की अपनी अपनी खासियत है, अभी मैं पढ़ाती हूँ कैसे कैसे। ये क्या करता है, ये अपने बिजनेस को बढ़ाता है, एक फ्रेंचाइजी से 2 खोल दी, 2 से 4, 4 से 8, और कभी कभी तो 1 से पता पड़ा 10 रेस्टोरेंट खोल दिए, ऐसा भी करता है। इनकी किस्मत थोड़ी सी बुरी है, इन दोनों की, ये फैमिली बिजनेस नहीं बढ़ाता,
ये अपनी मम्मी से सीख के नॉलेज लेके उनसे पैसे लेके अपना अलग बिजनेस करता है, अलग हिस्सा, एक हिस्सा टूटेगा बॉडी से और अपना एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। ये भी बेचारा ऐसा करने की कोशिश करता है पर एक्सीडेंटली, एक्चुअली ये चाहता है फैमिली बिजनेस ही करना बट बार बार वो डूब जाता है, फिर ये पैसा लेता है, फिर अपना बिजनेस करता है और इस तरह से ये कोशिश करता है। अभी हम सब समझेंगे। ये भी अपनी आइडेंटिटी अलग बनाएगा, कैसे हम देखेंगे, ये तो बहुत हायर प्लांट्स में होता है और ये भी हम समझेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स, और इसमें एक टाइप हमें और ऐड करना है यहाँ पे, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, दीज आर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत मज़ेदार है, हमें बहुत मज़े आने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मैं फिर बोलूंगी आपको, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग बहुत है क्योंकि अगर हमने समझ लिया क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले फिजन से। फिजन का क्या मतलब है समझिए। फिजन का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेकेज। एक चीज़ जब दो हिस्सों में टूटे, चाहे दस हिस्सों में टूटे, उस टूटने के प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। अगर वन पेरेंट से टू डॉटर सेल्स बने तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले क्या होगा, ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद में इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवीजन को क्या कहते हैं अपन, कैरियोकाइनेसिस। इस तरह से ये न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, ये देखिए ये दो न्यूक्लियस हो गए, और इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा यानी साइटोकाइनेसिस, और ये टू डॉटर सेल्स फॉर्म कर देगा। ये टू डॉटर सेल्स हो गए, टू डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। अब समझिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट समझिएगा, कोई पूछे कि बाइनरी फिजन या फिजन में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यहां पर वन पेरेंट से टू डॉटर सेल बन रहे हैं, अब किस प्लेन में डिवीजन हो रहा है, ऐसा 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 या कैसा भी, उस बेसिस पर बाइनरी फिजन फिर से फोर टाइप्स का हो सकता है, सिंपल या इरेग्युलर यानी किसी भी प्लेन से अगर डिवीजन हो रहा है। देन क्विकली पढ़ते हैं हम, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, देन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एंड देन ऑब्लीक बाइनरी फिजन। हमें एग्जांपल्स आने चाहिए। सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्स, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसी तरह से डिवाइड करते हैं, और अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो जितने भी सीलिएटेड प्रोटोजोआ हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, लाइक एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पैरामीशियम, चप्पल वाला याद है आपको, इसी तरह से डिवाइड करता है। नाउ लॉन्गिट्यूडिनल की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल में अगर आपको याद हो जितने भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ वो इसमें आते हैं, और इवन युग्लिना इसमें आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्लीकली में एक डाइनोफ्लैजिलेट आता है जिसका नाम है सिराशियम, दिस इज अ डाइनोफ्लैजिलेट, अगेन अ प्रोटो प्रोटिस्टा, नॉट प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, डाइनोफ्लैजिलेट। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, बैक्टीरिया तो मोनेरा किंगडम में आता है, बाकी सारे प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। तो बाइनरी फिजन में भी दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्या, कि जो बैक्टीरिया है वो ए माइटोसिस से डिवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि जो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं, चाहे वो सीलिएटेड हो, फ्लैजिलेटेड हो, कोई भी हो, वो माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करेंगे, लेकिन सब में ही न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, दिस इज बाइनरी फिजन। नाउ अगर वन पेरेंट से मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते हैं तो उसे मल्टीपल फिजन कहेंगे, और ये दो कंडीशंस में मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो स्पोरोजोआ क्लास, ये भी प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में फोर क्लासेस पढ़ते हैं, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, देन अमीबॉइड,
एंड देन स्पोरोजोआ, जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता अगर आपको याद हो, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. ये है अमीबा इन फेवरेबल कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा. मल्टीपल फिजन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं अमीबा का ही एग्जांपल लेती हूँ, अमीबा सबसे पहले अपने सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा. क्यों? क्योंकि बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है. अभी वो नहीं चाहता कि वो दो में डिवाइड होके दो नए अमीबा बनाए, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो अमीबा क्या करेगा, जैसे ऐसा अमीबा है, ठीक है, वो अपने सारे सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा. सो एनसीईआरटी की लाइन्स है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्रॉ सूडोपोडिया. और जैसे ही सूडोपोडिया को विड्रॉ किया, अभी ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर बन गया. अब ये अपने चारों तरफ वॉल बनाएगा, थिक हार्ड रेजिस्टेंट मोटी सी वॉल, और उसे हम कहते हैं सिस्ट, यानी इस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टेशन. थ्री लेयर्ड सिस्ट बनाएगा, हार्ड रेजिस्टेंट वॉल बनाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है, मैं यहां लिख देती हूं, थ्री लेयर की वॉल बनती है, थ्री लेयर्ड की. अब क्या सिचुएशन है, ये अमीबा है और ये चारों तरफ थ्री लेयर्ड मोटी सी वॉल है. अब जब बाहर फेवरेबल कंडीशन आएंगी, हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद, तब ये अपने अंदर पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, यानी वही कैरियोकाइनेसिस होगा. तो अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई बन गए. और अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, इनके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, ये हो गया. और अब ये सिस्ट की जो वॉल है ये रप्चर कर जाएगी, दिस विल रप्चर, और ये सारे बाहर निकल जाएंगे छोटे छोटे, ये सब अमीबा हैं, ये ग्रो करके अमीबा बना लेंगे. ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं सूडो पोडियो स्पोर्स. एनसीईआरटी की लाइंस है, सूडो पोडियो स्पोर्स. ध्यान दो यहाँ क्या हुआ है, इवन अगर स्पोरोजोआ है तो भी वहाँ सिस्ट नहीं बनेगी, वहाँ नेचुरली ऐसा होता है. वहाँ पर भी पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस, उन सब के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, पेरेंट बॉडी रप्चर हो जाएगी और वो सारे नए स्पोरोजोआ बन गए. तो वन पेरेंट से बहुत सारे, यानी मल्टीपल फिजन हो गया. यहाँ एक बात का ध्यान दीजिए, वो क्या कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो पेरेंट का अस्तित्व ही खत्म हो गया है, या ये कहें कि पेरेंट अपने दो डॉटर सेल के रूप में सदा सदा के लिए अमर हो गया है. इसीलिए ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इमॉर्टल हैं, अमर हैं, क्योंकि यहाँ पेरेंट की आइडेंटिटी पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है. पेरेंट अपने दो बच्चों में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर जब पेरेंट रप्चर करेगा तो पेरेंट का कुछ साइटोप्लाज्म वगैरह तो है ना, तो इसीलिए ये इमॉर्टल अमर नहीं है. इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट मल्टीपल फिशन. अब आइए हम समझते हैं इसी में थर्ड, जी हाँ, फिजन ही हम पढ़ रहे हैं. आप लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, हम सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को कवर करेंगे. एंड दैट इज प्लाज्मोटोमी, थर्ड तरीका. आइए समझते हैं. तो फिजन ही चल रहा है हमारा स्टूडेंट्स, और फिजन में हमने तीन देख लिए हैं, बाइनरी फिजन देख लिया है, मल्टीपल फिजन, और मैं थर्ड की बात कर रही हूँ प्लाज्मोटोमी. बहुत सिंपल है, देखो समझो, ये किन में मिलता है और इसका क्या मतलब है. यहाँ टोमी, टोमी मतलब जैसे कोई टॉमी होता है पपी, वो क्या करता है पूरी चादर फाड़ देता है, कुरेद देता है, काट देता है. टोमी का मतलब ही होता है कट, याद है अपेंडिसेक्टमी, टोमी मतलब अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव करना, कॉलीसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, हिस्टेरेक्टोमी यूट्रस को रिमूव करना, वासेक सा डिफरेंस को रिमूव करना. ऐसे ही टोमी का मतलब ये कट करना, पर किसे, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म को कट करना. अभी तक क्या हो रहा था इन दोनों में, पहले न्यूक्लियर डिवीजन और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. अब क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि यहां पे साइटोकाइनेसिस पहले होगा फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस. उल्टी गंगा बहेगी. क्यों बह रही है उल्टी गंगा, क्यों बह रही है उल्टी गंगा, आइए समझते हैं. देखो ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है स्टूडेंट्स जो खुद मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स. जैसे मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी ओपेलिना,
एंड निक्टोथीरस, रटे होने चाहिए निक्टोथीरस। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है खुद ही, मतलब प्रोटोजोइन है स्टूडेंट्स, सिंगल सेल्ड है। इनमें क्या होता है, जैसे सपोज ये है, इसमें खुद ही बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ये पेरेंट है, दिस इज द पेरेंट। भाई ऑलरेडी खूब सारे न्यूक्लियस है ना, ऐसे याद रखो तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता, पहले इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, साइटोकाइनेसिस। तो सपोज करो कि ये टू डॉटर सेल्स बने। अब भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 न्यूक्लियस हैं तो हो सकता है 2 इसमें चले गए और 3 इसमें चले गए, है ना। हो सकता है 6 थे, 3 जाते, 2 4 जाते, 1 5 जाता, कैसे भी डिवीजन हो सकता है। अब इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, और ये अपने आप को उतना ही नंबर में बना लेंगे जितने पेरेंट बॉडी में थे। तो यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन क्यों होता है, ताकि सेम ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिस्टोर कर सकें, टू रिस्टोर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यानी इससे जो डॉटर सेल बनेगा उसमें फिर से 5 हो जाएंगे, इसमें भी जो डॉटर सेल बनेगा उसमें 5 हो जाएंगे। तो याद रखना बड़ा आसान है, इसमें ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो पहले न्यूक्लियर का डिवीजन नहीं होता, पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर न्यूक्लियस का होता है। ये सब है फिशन। लेकिन सेकंड है बडिंग, इसका क्या मतलब है। देखो यहां भी पेरेंट का अस्तित्व बना हुआ है, राइट, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जाएगा, सिर्फ बाइनरी फिशन में इमॉर्टल है, अमर है। बडिंग में क्या होगा, बडिंग में स्टूडेंट्स पेरेंट की बॉडी का एक पार्ट डिटैच होगा, ग्रोथ होगी, आउटग्रोथ, और वो नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। जैसे सपोज करो ये एक हाइड्रा है, ठीक है, ये एक हाइड्रा है, इससे एक बड निकली, इसकी बॉडी से ये बड निकली, ये बड थोड़ी सी ग्रो करी और पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो गई, और अब इस बड ने पूरा एक नया हाइड्रा बना दिया। पता है क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इस बड के पास जरूर प्लूरीपोटेंट सेल्स हैं, टोटीपोटेंट सेल्स आई शुड से, जो पूरी की पूरी न्यू बॉडी बना सकते हैं पेरेंट की। यहाँ बड बॉडी के बाहर निकल रही है, हाइड्रा। या एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, यीस्ट, इसका डायग्राम भी दिया है। यीस्ट में क्या होता है, ये यीस्ट है, यीस्ट इज द ओनली यूनिसेल्युलर फंजाय, बाकी सारे फंजाय मल्टीसेल्युलर होते हैं। सपोज इसकी बॉडी से ये एक बाहर आउटग्रोथ निकली, इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड करा और अब ये आउटग्रोथ कट हो गई बॉडी से, और इसने फिर से न्यू यीस्ट बना लिया। पेरेंट यीस्ट तो रहा लेकिन एक न्यू यीस्ट बन गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, बाहर बॉडी के बाहर की तरफ बड बन रही है, यानी कि दिस इज एग्जोजीनस बडिंग, बाहर की तरफ बन रही है एग्जोजीनस बडिंग। बट एक होती है, एक एग्जो है तो जरूर एक क्या होगी, एंडोजीनस बडिंग। इसका क्या मतलब है, यहाँ बॉडी के अंदर बड बनेगी। बॉडी के अंदर कहीं पड़ा है, एनिमल किंगडम में पड़ा है, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं, पॉरीफेरा लाइक स्पॉन्जिला, रटा होना चाहिए, ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है। यहाँ पर इंटरनल बड्स बनती हैं और उन इंटरनल बड को हम जेम्यूल कहते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हजारों बार, जेम्यूल इंटरनल बड, आइए बना के दिखाती हूँ कैसे। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, ये पॉरीफेरा है, सपोज एक पॉरीफेरा में अपन ने पढ़ा है बहुत सारे छेद होते हैं छोटे छोटे, हमें आपको पढ़ाऊंगी इस तरह से, अंदर की तरफ बड बनेगी बॉडी के अंदर, क्योंकि बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, अभी पॉरीफेरा डिवाइड नहीं करना चाहता नॉर्मली, तो वो अंदर बड्स बनाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये बड बाहर निकल के पानी में जाएगी, सूटेबल सबस्ट्रेटम पे लैंड करेगी और नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। तो हम इसी बड को डिटेल में देखते हैं कैसी होती है। ये बड ऐसी होती है, देखो ये तो बड है, बड के अंदर टिश्यू भरा है, सेल्स हैं, कौन से सेल्स होंगे, क्योंकि स्पॉन्जेस मल्टी सेल्यूलर है, सब जगह हर बड में ऐसे सेल्स हैं जो पूरे के पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, यानी उसका हर पार्ट हर सेल बना सकते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स हैं। और पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में उन सेल्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बताइए किसको याद है, उन्हें आर्कियोसाइट्स कहते हैं। आर्कियो मतलब पुराने और साइट्स मतलब सेल, आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट सेल्स हैं, तभी तो नया पूरा का पूरा नया पॉरीफेरा स्पंज बना देंगे। और इनके प्रोटेक्शन के लिए ये चारों तरफ एक जिलेटिनस कवरिंग है, क्वेश्चन आता है जिलेटिनस कवरिंग,
और प्रोटेक्शन देने के लिए इसके कारण तो क्या ड्राइनेस से भी बचेगा, क्योंकि थोड़ा चिपचिपापन है, जिलेटिनस है, और इसे प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह से कांटे कांटे स्पिक्यूल्स निकले हुए हैं। क्वेश्चन आता है, ये है मोनो एक्सियल स्पिक्यूल, सिंगल सिंगल एक्सिस वाले स्पिक्यूल्स हैं, ये प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्टिव हैं। आप नोट कर सकते हो, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, दीज आर प्रोटेक्टिव। और मैं यहां लिख देती हूं स्पिक्यूल्स, SPICULES, और यहां पर एक छेद होता है, छोटा सा है तो माइक्रो, और छेद के लिए पाइल बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं माइक्रो पाइल। ये एक्चुअली एक जेम्यूल है, एक जेम्यूल का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है आपको स्पॉन्जिला में, इंटरनल बड का। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बड बाहर आएगी पानी में, और ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ये उल्टी होगी ऐसे, और माइक्रोपाइल के थ्रू ये सबस्ट्रैटम पे अटैच करेगी। जैसे सपोज ये माइक्रोपाइल है, ये बड है, ये सबस्ट्रैटम है, ये ऐसे आकर ऐसे अटैच करती है, और फिर सारे आर्कियोसाइट्स पूरा नया पॉरीफेरा बना देंगे। तो क्वेश्चन आता है, अटैचेस टू सबस्ट्रैटम थ्रू माइक्रोपाइल, सो दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं बडिंग। राइट नाउ थर्ड मेथड जो है दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। अब यहां स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक है फ्रैगमेंटेशन और एक है रीजेनरेशन, इनमें क्या डिफरेंस है? दोनों ही मिस ब्राउन के बच्चे हैं, लेकिन उनमें एक डिफरेंस है, देखते हैं। फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, ध्यान से सुनिएगा, रीजेनरेशन स्टूडेंट्स दोनों में ही टुकड़े होंगे, पीसेस होंगे, और वो पीसेस पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बना सकते हैं, क्योंकि उनमें जरूर टोटिपोटेंट सेल्स होंगे। फ्रैगमेंटेशन के दो टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं, इनफैक्ट हमें फोर एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अच्छा, एक्सोजीनस बडिंग में ना एक एग्जाम्पल और लिखना, दो तो पता ही है, हाइड्रा यीस्ट और ट्यूनिकेटा, जैसे साल्पा, याद है आपको, एनिमल किंगडम कॉर्डेटा में पढ़ते हैं ट्यूनिकेटा लाइक साल्पा, इसको जरूर नोट कर लेना। फ्रैगमेंटेशन मतलब जैसे एक स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा क्या होता है किसको याद है, ये एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा मतलब प्लांट किंगडम में आता है ये स्पायरोगायरा, याद है, इसमें रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर आपको याद हो नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगी। तो ये फिलामेंट है, खूब सारे सेल्स हैं, और ये इसका क्लोरोप्लास्ट है सपोज, ऐसा रिबन जैसा, इसका कोई भी एक पीस टूटा, फ्रैगमेंट हुआ, और इससे पूरा न्यू स्पायरोगायरा बन गया, ये पूरा न्यू इंडिविजुअल। ऐसे ही एक और इसका बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, एक फ्लैट वर्म है स्टूडेंट्स, इसे ड्यूगेसिया भी कहते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है, मैं आपको एनिमल किंगडम में भी पढ़ाऊंगी, प्लैटी हेलमिंथस फ्लैट वर्म, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये है, ये इसका कोई भी पीस टूटा, ये टूट जाए, चाहे ये कट जाए, चाहे ये कट जाए, तो इन तीनों से पूरा का पूरा न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो सकता है, पूरी बॉडी में टोटी पोटेंट सेल्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रा, आप कहोगे मैम हाइड्रा में तो एक्सोजीनस बडिंग पढ़ाई है, जी हाँ, पर हाइड्रा में फ्रैगमेंटेशन से भी रिप्रोडक्शन होता है, एक चॉइस आएगी तो एक्सोजीनस बडिंग, दैट इज द फर्स्ट चॉइस, बट इससे भी होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पंजेस में भी होता है पॉरीफेरा, हालांकि फ्रेश वाटर स्पंज में मैंने अभी क्या पढ़ाया था, जेम्यूल इंटरनल बड, बट उसमें भी फ्रैगमेंटेशन से होता है, एनसीईआरटी की लाइन्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है, देखो यहाँ भी एक पीस टूटेगा, एक फ्रैगमेंट टूटेगा, यहाँ भी वो नया इंडिविजुअल बनाएगा, यहाँ भी उसके अंदर टोटी पोटेंट सेल है, बट ये एक्सीडेंटली होता है, एक्सीडेंटल फ्रैगमेंटेशन, यानी कि यहाँ पर इनका नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ और होगा, ये तो बाय चांस, जैसे स्टार फिश है नेचुरली अलग तरह से रिप्रोड्यूस करती है, पर स्टार फिश समुद्र में घूमते घूमते थोड़ा सा टकरा गई और उसका कोई पीस टूट गया तो उससे नई स्टारफिश बन गई, उसे रीजनरेशन कहेंगे। हाइड्रा में रीजनरेशन भी मिलता है, तो हाइड्रा एक्सोजीनस बडिंग का भी एग्जांपल है, हाइड्रा फ्रैगमेंटेशन का भी एग्जांपल है, हाइड्रा रीजनरेशन का भी एग्जांपल है। ऐसे ही प्लेनेरिया में नेचुरली भी फ्रैगमेंटेशन होता है, और अगर गलती से टूट जाए तो भी हो सकता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनरेशन। चलिए आइए इतना क्विकली एक बार देखते हैं। सो
फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी. सिंपल लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स ऑब्लीक, मल्टीपल में हो जाएगा स्पोरोजोआ जैसे प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस एंड अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन. देखो अगर क्वेश्चन आए अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, बाइनरी फिजन मल्टीपिशन फिजन बोथ, तो बोथ लगाना. पर अगर बोथ नहीं आए और आए दे रिप्रोड्यूस इन फेवरेबल कंडीशन बाय बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल कंडीशन बाय मल्टीपल फिजन. पर अगर कुछ भी नहीं दिया, बोथ भी नहीं दिया और फेवरेबल अनफेवरेबल भी नहीं दिया, तो फेवरेबल मान के बाइनरी फिजन लगाना. नाउ प्लाज्मोटोमी का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स में होगा. ओपेलिना पिलोमिक्सो, यहाँ पहले साइटोकाइनेसिस होगा फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस. स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल गलत लिखवा दिया आपको, आई एम सो सॉरी. मैंने प्लाज्मोटोमी में ओपेलिना एंड निक्टोथिरस लिखवा दिया था, वो ओपेलिना एंड पिलोमिक्सा है, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना. नाउ बडिंग में एक आउटग्रोथ निकलेगी पेरेंट बॉडी से, एक्सोजिनस बडिंग यीस्ट हाइड्रा एंड ट्यूनिकेटा में होगी और एंडोजिनस बडिंग जो है वो स्पॉन्जिला में होगी. टिफ्लिना ब्राह्मिना को आप भूल सकते हैं. फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया ड्यूगेसिया, इसके अलावा हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस में भी होता है. और रीजनरेशन हाइड्रा टेपवर्म प्लेनेरिया एंड स्टारफिश, यहाँ नोट करिएगा, इधर आए एक बार, टेपवर्म्स भी लिखना, इनमें भी होता है. हाँ लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली होता है, पर अगर इनका एक पीस टूट जाए दे कैन फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी. बाइनरी फिजन में वन से टू बनेंगे, प्रोटेस्टा में माइटोसिस के थ्रू और मोनेरा में ए माइटोसिस के थ्रू. न्यूक्लियर डिवीजन होगा फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, टू डॉटर सेल्स बनेंगे. पेरेंट पूरा का पूरा आइडेंटिटी लूज कर रहा है, अपने दो डॉटर सेल के रूप में जिंदा रह रहा है. ये इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडनल ऑब्लीक और उन सब के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, क्लोन्स होंगे. ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम. अमीबा में बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन में मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, यानी बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे. अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन एंड स्पोरोजोआ. अमीबा में थ्री लेयर्ड सिस्ट बनती है जिसे एनसिस्टेशन कहेंगे, और सूडो पोडियोस्पोर्स बनेंगे छोटे छोटे, और फिर सिस्ट रक्चर होके उनसे नए अमीबा बना देगी. प्लाज्मोटोमी प्लीज कवर करेक्ट कर लेना, ओपेलिना इन मिक्स पिलोमिक्सा में होगा, यहाँ उल्टा होता है. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस. बडिंग में एक आउटग्रोथ निकलेगी फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड दैट विल फॉर्म द होल न्यू इंडिविजुअल, उसे हम बड कहेंगे. एक्सोजिनस बडिंग हाइड्रा यीस्ट एंड यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा लाइक साल्पा में. एंडोजिनस बडिंग में इंटरनल बड्स को जेम्यूल कहते हैं, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज लाइक स्पॉन्जिला में मिलती है. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ये है एनसीईआरटी का डायग्राम यीस्ट का, जो मैंने आपको बना के दिखाया था. और अगर कोई पूछे बाइनरी और बडिंग में क्या डिफरेंस है, बडिंग में बड बनती है, बाइनरी में कोई बड नहीं बनती, नंबर वन. नंबर टू, बाइनरी फिजन में पेरेंट की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, वो इमॉर्टल होंगे, लेकिन यहाँ पेरेंट की आइडेंटिटी रहती है, सिर्फ साइड से एक बड निकलेगी या अंदर एक बड बनेगी, पेरेंट की आइडेंटिटी रहेगी. बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल्स में इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, जबकि यहाँ पर अनइक्वल आप देख सकते हो. बड में एक बड के पास कम साइटोप्लाज्म जा रहा है, पेरेंट के पास ज्यादा है, वो अलग बात है. आगे जाकर बड भी ग्रो कर जाएगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस. फ्रैगमेंटेशन में बॉडी विल ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट एंड ईच पार्ट हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पायरोगायरा प्लेनेरिया हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस रटे होने चाहिए. ये देखिए, ये है प्लेनेरिया का डायग्राम हर पार्ट से नया, और ये है स्पायरोगायरा का डायग्राम. नाउ रीजनरेशन मतलब एक्सीडेंटल फ्रैगमेंटेशन. हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में फ्रैगमेंटेशन भी है, रीजनरेशन भी मिलता है, बाकी स्टारफिश टेपवर्म में रीजनरेशन मिलता है. और क्यों? क्योंकि इनमें टोटीपोटेंट सेल्स हैं. हाइड्रा के टोटीपोटेंट सेल्स को इंटरस्टीशियल सेल्स कहते हैं, प्लेनेरिया में उन्हें नियोब्लास्ट कहते हैं, और हमने पढ़ा है स्पॉन्जेस में उन्हें आर्कियोसाइट्स कहते हैं. अभी इंटरनल बड में बना के दिखाए थे. अगर 340 प्लस मार्क्स चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें आनी चाहिए, नॉर्मली जनरली नहीं पूछते हैं. अब आइए हम फिफ्थ मोड पर आते हैं, एंड दैट इज स्पोरुलेशन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखते हैं फिफ्थ. हमने अभी तक फिजन पढ़ लिया, बडिंग पढ़ ली, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन पढ़ लिया. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, पार्थिनोजेनेसिस भी नहीं पढ़ेंगे. अब स्पोरुलेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट? यहाँ पे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, जी हाँ, जिसे स्पोर कहते हैं. स्पोर दो तरह से बनते हैं, हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में कि स्पोर्स जो है वो
सेक्सुअली भी बनते हैं यानी मियोसिस के थ्रू, बट यहाँ माइटोसिस से बनेंगे यानी उन्हें माइटोस्पोर्स कहेंगे, माइटोस्पोर्स। अब टू टाइप के स्पोर्स बनते हैं, देखो ये एल्गी और फंजाई में मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एल्गी एंड फंजाई, ये नहीं मिलता बैक्टीरिया में, देखो मैं बी लिख रही हूँ, या यू नो प्रोटेस्टा में नहीं। बैक्टीरिया और प्रोटेस्टा में हमने क्या क्या देखा है, हमने भर भर के उसमें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी, बडिंग, इंटरनल एक्सटर्नल, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब देखा। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया है। दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, ध्यान से पढ़ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो एल्गी हैं उनमें मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, मोटाइल, और मोटाइल कौन होता है, एक जगह से दूसरी जगह कौन जाता है, जानवर या पेड़, जानवर, एनिमल, एनिमल के लिए जू बोलते हैं, यानी जू स्पोर्स बनेंगे, जू स्पोर्स। एल्गी लाइक क्लमाइडोमोनास, रटा होना चाहिए, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा, क्लमाइडोमोनास इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, क्लमाइडोमोनास। नेचुरली जू स्पोर्स हैं यानी ये मोटाइल होंगे, और मोटाइल मतलब कोई ना कोई मोटाइल स्ट्रक्चर है, कौन है, फ्लैजिला, तो मोटाइल बोलो या फ्लैजिलेटेड बोलो एक ही बात है। ये कैसे बनते हैं समझना, देखो ये होता है क्लमाइडोमोनास, ऐसे ये दो फ्लैजिला हैं, इक्वल साइज के होते हैं, बिल्कुल सेम, ये इसका कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है और ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। जब इसे रिप्रोड्यूस करना है तो ये अपने फ्लैजिला को अंदर ले लेता है, यानी ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये कप शेप्ड का है ऐसा, यानी विड्रॉ, विथड्रॉ फ्लैजिला, ठीक है, टू फ्लैजिला रहते हैं, उन्हें विड्रॉ कर लेता है ये। अब ये पूरा का पूरा जो क्लमाइडोमोनास है ये एक पेरेंट की तरह वर्क करेगा और इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स बिल्कुल इसकी तरह हैं, माइटोसिस से बनेंगे, माइटोस्पोर्स, रिजेंबलिंग पेरेंट, रिजेंबल पेरेंट मतलब बिल्कुल पेरेंट की तरह है। पेरेंट कैसा है, देखो ध्यान से समझो, ये पेरेंट है ना, अब ये स्पोर्स बन रहे हैं, देखो ये बिल्कुल पेरेंट की तरह है, नाशपाती शेप के यानी पियर शेप के, इनमें भी वही टू टू फ्लैजिला, इनमें भी ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस, बिल्कुल पेरेंट की तरह बनेंगे, और फिर ये पेरेंट रप्चर करेगा और ये रिलीज होगा। तो ये बताओ कि ये स्पोर्स पेरेंट के अंदर बन रहे हैं बॉडी के कि बाहर बन रहे हैं, ये पेरेंट की बॉडी के अंदर बन रहे हैं, यानी एंडोजीनस ओरिजिन है, बहुत क्वेश्चन आता है एंडोजीनस ओरिजिन। माइटोस्पोर्स आप लिख सकते हो फॉर्म्ड इनसाइड पेरेंट बॉडी, सो दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन, दे रिजेंबल पेरेंट जस्ट लाइक पेरेंट, टू फ्लैजिला हैं इनमें भी, पियर शेप के हैं, बिल्कुल पेरेंट की तरह है, और फिर ये ईच स्पोर विल फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। पर फंजाई में ऐसा नहीं होता, फंजाई लाइक पेनिसिलियम जिससे पहली एंटीबायोटिक मिली थी पेनिसिलिन, मैं यहाँ लिख देती हूँ फंजाई, जबकि यहाँ पे ये एल्गी, यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे, नॉन मोटाइल, और अगर मोटाइल नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें फ्लैजिला भी नहीं है, तो नॉन मोटाइल बोलो स्टूडेंट्स या नॉन फ्लैजिलेटेड बोलो। अब यहाँ क्या होता है, हालांकि जब मैं फंजाई पढ़ाऊंगी तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, फंजाई की बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, यहाँ यूनिसेल्यूलर पेरेंट है, वहाँ मल्टी सेल्यूलर है, पूरा ऐसे फैला रहता है जाल जैसे माइसीलियम, उसमें से एक ब्रांच ऊपर उठती है, तो सपोज करो ये वो ब्रांच है, ये इसके ऊपर वो स्पोर लगेंगे, और उन स्पोर को ध्यान से सुनना, हजारों बार क्वेश्चन आया है, कोनीडिया कहते हैं, और इस ब्रांच पर कोनीडिया लगेंगे तो इसे कोनीडियोफोर कहते हैं, कोनीडियोफोर, आपको पता है फोर का मतलब, नहीं चार नहीं, PHORE, फोर मीन्स टू हैव, टू बियर, इस पर कोनीडिया लगेंगे इसीलिए कोनीडियोफोर। अब इसकी ब्रांचिंग होती है, ये पहली ब्रांचिंग हुई, फिर ये और ब्रांचेस में डिवाइड हुआ ऐसे, तो जो पहली ब्रांच है उसे प्राइमरी रैमस कहते हैं, प्लूरल रैमाई हो जाएगा, फिर सेकेंडरी रैमस, टर्शरी रैमस, जो भी आखिरी ब्रांचिंग है, सपोज यहाँ पर ये आखिरी ब्रांचिंग है तो मैं इसे सेकेंडरी रैमस भी कह सकती हूँ, और इसे ही मेट्यूला कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे साथ बोलिए, क्वेश्चन आता है मेट्यूला, प्लूरल मेट्यूले हो जाएगा, अभी भी स्पोर नहीं बने। अब इस पर बॉटल शेप के, फ्लास्क शेप के स्ट्रक्चर्स लगते हैं ऐसे, ये सब पे बनेंगे, मैं कुछ पे बना देती हूँ, यहाँ भी बनेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को, बॉटल शेप के, फ्लास्क शेप के स्ट्रक्चर्स को मेरे साथ बोलिए स्टेरिक, क्या बोलते हैं, स्टेरिग, स्टेरिग मैटा कहते हैं, स्टेरिग मैटा,
अब ये बनाएंगे स्पोर्स बाहर की तरफ, जैसे ये एक स्टेरिक मैटा है, ये एक स्पोर बन गया, ये कोनिडिया है, एक स्पोर है। फिर ये एक और बनाएगा तो ये वाला तो ऊपर खिसक जाएगा और ये नया वाला बन जाएगा। फिर एक और बनेगा तो ये और ऊपर खिसक गया, ये फर्स्ट नंबर का बना था, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। यानी ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं कि बॉडी के बाहर? ये बॉडी के बाहर बन रहे हैं। यानी ये कैसे होते हैं? एक्सोजीनस इन ओरिजिन। जबकि जू स्पोर कैसे थे? एंडोजीनस। ये कैसे हैं? एक्सोजीनस। मोटाइल, नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। सोचकर बताओ, मान लो 1000 कोनिडिया बन गए तो सबसे यंग वाला कहाँ होगा? टॉप पे कि बेस पे? ये रहा बेस पे। इसे बेसी पीटल अरेंजमेंट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, यानी जो यंगेस्ट कोनिडिया है वो बेस पे मिलेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर कटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और पुराने वाले ऊपर खिसकते जा रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं क्विकली। सो स्पोरुलेशन में स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे कॉल्ड स्पोर्स। माइटोसिस से बनते हैं एल्गी एंड फंजाई। एल्गी में जू स्पोर्स, मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, एसेक्सुअल स्पोर, एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास। एंडोजीनस ओरिजिन में है, बिल्कुल पेरेंट की तरह है। फ्लैजिलेटेड है, पानी में कुछ देर तक ये स्विम कर सकते हैं। कोनिडिया नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, इंटेरिस्टियल। फंजा याद रखो, लाइक पेनिसिलियम, कोनिडियो फोर होगा, एक्सोजीनस ओरिजिन है, बेसी पीटल है और इनमें फ्लैजिला नहीं है। ये पानी में मूव करके नहीं जा सकते, ये विंड के थ्रू डिस्पर्स होंगे, इसीलिए ये हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं। भाई कोई गीली चीज़ होगी तो हवा में टिक नहीं पाएगी, वजन ज़्यादा हो जाएगा तो वो उड़ नहीं पाएगी, बह नहीं पाएगी हवा में। इसीलिए लाइट एंड ड्राई, कहाँ कुछ रटने की ज़रूरत है बताइए, राइट? सो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये कोनिडियो फोर बॉटल शेप के स्टेरिक मैटा और ये कोनिडिया बन रहे हैं, ये क्लमाइडोमोनास और ये इसमें से सारे स्पोर्स बाहर निकल गए हैं बनने के बाद, राइट? ये है फाइनल डायग्राम। बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? लेट्स राइट डाउन क्विकली। दिस इज डायग्राम ऑफ क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास क्या है? इसमें ये जू स्पोर्स बनाए हुए हैं। ये किसका डायग्राम है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंजाई, ये क्या बनाए हुए हैं ऊपर? दीज आर द कोनिडिया। ये किसका डायग्राम है? स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का, और ये क्या बनाई हुई है? ये जेम्यूल बनाया है, इंटरनल बड। और ये किसका डायग्राम है? हाइड्रा। और किसका एग्जाम्पल है ये? ये देखिए बड, एक्सोजीनस बडिंग का। एनसीईआरटी के डायग्राम है, अब हमें अच्छे से आने चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, आप इसका आंसर सॉल्व करो और फिर हम एक मिनट बाद मिलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, करा आप लोगों ने सॉल्व? इमॉर्टल इंडिविजुअल्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, डबल सेल, मल्टी सेल्ड या ग्रीन प्लांट्स? ऑफ कोर्स सिंगल सेल्ड। हमने क्या पढ़ा है कि सिंगल सेल्ड में भी सारे सिंगल सेल्ड नहीं भाई, जो मल्टीपल फिजन शो कर रहे हैं स्पोरोजोआ, वो थोड़ी ना कोई इमॉर्टल है। जो ओपेलिना, निक्टोथिरस, ये भी सब प्रोटोजोआ हैं, सिंगल सेल्ड हैं, बट ये प्लाज्मोटोमी शो करते हैं, ये थोड़ी ना इसका एग्जाम्पल है। यहां पर वही सिंगल सेल्ड विच शो बाइनरी फिजन, दे आर इमॉर्टल, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर टू, डिविजन इन अ बैक्टीरियल सेल इज कैरीड आउट थ्रू, बैक्टीरिया में हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन में भी पर्टिकुलरली कौन सा पढ़ा है स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसवर्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिंपल या इररेगुलर अमीबा इन फेवरेबल कंडीशन, ट्रांसवर्स में आएगा बैक्टीरिया और इसके अलावा सीलिएटेड प्रोटोजोआ लाइक पैरामीशियम। लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लिना एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, और ऑब्लीक में सिराशियम विच इज अ डायनोफ्लैजिलेट। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आपको पता है जैसे ये पैरामीशियम है, ऐसा होता है पैरामीशियम, ये सीलिएटेड रहता है पूरा इस तरह से। पैरामीशियम में ना स्टूडेंट दो न्यूक्लियस होते हैं, हालांकि एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे एक छोटा एक बड़ा। बड़े को ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे? मैक्रो न्यूक्लियस, बड़ा है मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटे को क्या कह दोगे? माइक्रो न्यूक्लियस। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। दो टाइप के न्यूक्लियस हैं, इनमें से एक न्यूक्लियस हेरिडिटी कंट्रोल करता है, यानी रिप्रोडक्शन, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल में जाएगा, और एक है जो इसी का पूरा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। हमारे में क्या होता है? हमारे में एक ही टाइप का न्यूक्लियस है, वही दोनों काम करता है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। एनी गैसेस कौन सा क्या काम करता है? ट्रिक से याद कराती,
भाई रिप्रोड्यूस तो तब करेंगे जब जिंदा रहेंगे, तो बड़ा काम क्या है? जिंदा रहना, मेटाबॉलिज्म बड़ा काम, यानी मैक्रो न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, और जिंदा रहे तो फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी हेरिडिटी और रिप्रोडक्शन में माइक्रो न्यूक्लियस का रोल है। अब सोचकर बताओ कौन सा माइटोसिस से डिवाइड करना चाहिए और कौन सा ए माइटोसिस से। जिसे नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटी देनी है उसका इक्वल डिवीजन होना चाहिए, यानी ये रिप्रोड्यूस करता है माइटोसिस से, डिवाइड करेगा माइटोसिस से, और ये डिवाइड करेगा ए माइटोसिस से। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस। एक्चुअली जब पैरामीशियम डिवाइड करता है ऐसे डिवाइड करेगा, पर ऐसा नहीं बस ये आधा इधर नहीं, ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, सब कुछ डबल होगा, और फिर वो ट्रांसवर्सली बाइसेक्ट करेगा। सो एनीवेज मल्टीपल फिजन में स्पोरोजोआ एंड अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन, बडिंग में एक्सोजीनस में, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ रिपीट करो, क्या क्या है? हाइड्रा, यीस्ट एंड ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा। और एंडोजीनस बडिंग में क्या है? स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। क्या कहते हैं इंटरनल बड को? जेम्यूल। जेम्यूल किस स्ट्रक्चर के थ्रू सबस्ट्रैटम पे लैंड करता है? माइक्रोपाइल। जेम्यूल के अंदर कौन से टोटीपोटेंट सेल्स हैं? आर्कियोसाइट्स। हाइड्रा में कौन से टोटीपोटेंट सेल्स हैं? बोलो बोलो, इंटरस्टीशियल। और जल्दी से बता दीजिए कि जो प्लेनेरिया है उसमें कौन से टोटीपोटेंट सेल्स हैं? नियोब्लास्ट। ये सब आना चाहिए। प्लाज्मोटोमी मतलब प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म की टोमी यानी कट पहले हो रहा है, यानी साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक ओपेलिना एंड पीलोमिक्सा। निक्टोथिरस में स्लिप ऑफ टंग था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ए सेक्सुअल मेथड इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ डैश इंडिविजुअल टेक्स प्लेस। बताइए क्या आंसर लगाए? यूनिपेरेंटल, करण जौहर, सुष्मिता सेन। सो वन इंडिविजुअल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जी हाँ, इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं अगर अपनी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। नाउ क्वेश्चन 4, सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनसीईआरटी की लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ये सपोज अमीबा है या कोई बैक्टीरिया है, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो टू डॉटर सेल्स बन गए। यानी आप ये भी कह सकते हो कि मैम सेल डिवीजन हो गया क्योंकि सिंगल सेल था वो दो में डिवाइड हो गया, या आप ये भी कह सकते हो कि मैम इसमें तो रिप्रोडक्शन हो गया, इसकी तो नेक्स्ट जनरेशन बन गई। यानी जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। भाई एक ही तो सेल का पेरेंट है, सिंगल सेल का पेरेंट है, वो सेल ग्रो करके डिवाइड करा मतलब नेक्स्ट जनरेशन बन गई। तो सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक ही किस में है? जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहाँ पढ़ते हैं? एक तो मोनेरा में जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, और एक प्रोटेस्टा में जिसमें सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जू स्पोर्स आर, ये तो रटा होना चाहिए। जू, जू मतलब जानवर जहाँ रहते हैं, एनिमल से रिलेटेड, जोलॉजी, जू यानी कि मोटाइल गैमीट्स, मोटाइल गैमीट्स। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम गैमीट्स कहाँ हैं, ये आपने तो स्पोर्स पढ़ाए हैं। स्पोर्स ही पढ़ाए हैं, यूनिपेरेंटल ही है, एक ही पेरेंट के स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लिखने को लिख दिया। हाँ, अगर मैं यहाँ एक ऑप्शन दे दूँ मोटाइल स्पोर्स तो बेटर ऑप्शन वो हो जाएगा, बट एक समझ की बात है, राइट? मेल फीमेल ऐसा कुछ होता नहीं है। किस में मिलता है ये? एल्गी में, एल्गी। और एल्गी में भी कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे? क्लमाइडोमोनास। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हालांकि इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगी जब प्लांट किंगडम बताऊंगी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं उन सबको प्रोटिस्टा में ग्रुप करते हैं, प्रोटिस्टा में। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये भी यूनिसेल्यूलर है और एल्गी मतलब ये भी यूकैरियोट है, तो फिर इसे एल्गी यानी प्लांट किंगडम में क्यों रखेंगे? एक्चुअली पहले इसे प्लांट किंगडम में एल्गी के अंडर रखा गया था क्योंकि ये बिल्कुल एल्गी एल्गी ही है, सारे फीचर्स वही हैं। बट अब क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है तो इसे प्रोटिस्टा में ग्रुप कर दिया गया है। पर आपको याद रखना है कि स्पोर्स एल्गी एंड फंजाई में बनते हैं और जू स्पोर क्लमाइडोमोनास में बनते हैं जो एक एल्गी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि एल्गी बिलोंग्स टू द
Chlamydomonas belongs to Protista, plant kingdom, animal kingdom, fungi, तो answer होगा Protista. अब वो plant kingdom का part actually नहीं है. हम इसकी और discuss करेंगे जब हम plant kingdom की बात करेंगे. So answer हो गया A. Now question number 6, quickly, common mode of reproduction in penicillium is, हजारों बार question आया है, रट गया है अपने को, Conidia. Conidia नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है. बताओ एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस है. डायग्राम दिमाग में रखने की कोशिश करो, एक्सोजीनस है. और सबसे यंग वाला बेस पे है, यानी बेसी पीटल अरेंजमेंट है, रटने की जरूरत नहीं है. किस स्ट्रक्चर के ऊपर कोनीडिया कट रहे हैं? इस बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर, ऐसे. ये ओल्डेस्ट कोनीडिया होगा, ये यंगेस्ट कोनीडिया होगा. यंगेस्ट यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पर कोनीडिया बनते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टेरिग्मेटा. आज के आज अपने को याद करना है, कल पर एक भी बात नहीं छोड़ेंगे हम, राइट? बता दो मुझे बर्ड्स के एग्जांपल. बता दो, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट होंगे तो कोई बात नहीं. बताओ एक्सोजीनस बडिंग, बोलो मेरे साथ. हाइड्रा, हाइड्रा के बाद यीस्ट एंड देन ट्यूनिकेटा. इंटरनल बडिंग को क्या कहते हैं? जेम्यूल्स. किसमें मिलती है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज लाइक स्पॉन्जिला. ज़ूस्पोर किसमें मिलता है? एल्गी लाइक क्लैमाइडोमोनास. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कॉल्ड, प्लांट्स मतलब हायर प्लांट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन. इसे और पार्थिनोजेनेसिस, इन दोनों को हम इसी चैप्टर में अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर एक मैच द कॉलम दिया हुआ है और आपके ऑप्शंस दिए हैं. स्टूडेंट्स इस बार जब नीट 2020 का पेपर आया था, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी टेक्निक फॉलो की थी, बहुत सारे मैच दी कॉलम्स थे और सारे मैच दी कॉलम्स जो टेक्निक मैंने सिखाई थी उससे चुटकियों में विद इन सेकेंड सॉल्व हुए थे. मैं कैसे पढ़ाती हूँ ये सब कुछ नहीं मैचिंग करना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे ऑप्शंस पे जाओ. ए का 1 है, 2 है या 4 है, चेक करो. ए का, ए बाइनरी फिजन है, 1 नहीं, एल्गी से कोई लेना देना नहीं है. 2 अमीबा हो सकता है फेवरेबल कंडीशन में. 4 पेनिसिलियम से कोई लेना देना नहीं है, यानी ए का 2 है. और अगर ए का 2 है तो आंसर खत्म. आप देखना नीट 2020 के पेपर में सारे मैच दी कॉलम सिंगल गो में करेक्ट हो गए थे इस टेक्निक से. अब चेक कर लो, 1, 4, 3, 5 मैच करो. 1, 4, 3, 5 और ए का हम 2 लगा चुके हैं. देख लो, ज़ूस्पोर एल्गी में बनते हैं, कोनीडिया पेनिसिलिन पेनिसिलियम में, बडिंग हाइड्रा एंड जेम्यूल्स स्पॉन्ज. हो गया आंसर, चले आगे. चलिए, द फॉलोइंग फिगर शोज, क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिख रहा है? एनसीईआरटी का डायग्राम है. कौन है ये? अमीबा में बाइनरी फिजन. पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिविजन, फॉर्मिंग 2 डॉटर अमीबी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नो, देखो एक बात ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन लंबा है तो बहुत टफ है. जनरली मेरा एक्सपीरियंस से बताती हूँ, शॉर्टर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लंबे क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं. पर यह प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, फटाफट से हमें देखना है क्वेश्चन को. हमारा ब्रेन, आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी तुरंत आंख देखे, ब्रेन एनालाइज करे और हार्ट टिक लगा दे. चलिए देखते हैं. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई अमर नहीं है. इट इज वंडरिंग दैट वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स. देर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एंश्योर दिस कंटिन्यूटी. बता दीजिए उसे क्या कहते हैं? भाई चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन. देखा आपने, एक झटके का क्वेश्चन है, कितना लंबा चौड़ा बनाया है. आइए क्वेश्चन नंबर 10, इन द लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म देर इज अ साइकिल ऑफ. लाइफ स्पैन मतलब बर्थ, फिर जुवेनाइल फेज जहां ग्रोथ होगी रिप्रोडक्शन नहीं, फिर रिप्रोडक्टिव एज, फिर एजिंग, फिर सेनेसेंस और फिर डेथ. निकाल लो कौन सा आंसर होगा. ये रहा, ये नहीं होगा. ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स अपन पढ़ेंगे, या लाइफ स्पैन की बात करी हुई है और लाइफ स्पैन उस स्टोरी से आप सारे याद रख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच वन एनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. पॉइंट आपको सीधे सीधे पढ़ाया हुआ है, रिप्रोडक्शन. इसी के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज मेंटेन रहती है, कंटिन्यू रहती है, वरना कब की लुप्त हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इंडिविजुअल्स ऑफ अ क्लोन हैव. क्लोन क्या है? जो जेनेटिकली, प्लीज ध्यान रखना, जेनेटिकली भी सेम है और दिखने में बाहर से, भाई नेचुरल सी बात है, अगर जेनेटिकली सेम है, जीन सेम है तो प्रोटीन भी सेम बनेंगे, तो मॉर्फोलॉजी बाहरी दिखावट भी सेम ही होगी. सो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दोनों तरह से क्या है ये, सिमिलर है. मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ इस पॉइंट पे? क्वेश्चन आता है, क्लोन्स आर जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर.
जेनेटिकली डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, आंसर हो जाता है सी. बताओ क्या होगा, सेम जेनेटिक्स यानी सेम जीनोम. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मोटोमी अकर्स इन, टोमी कुतरना है, क्या होगा बताइए, साइटोप्लाज्म को कुतरना है, दोनों ओपेलिना एंड पिलोमिक्सा, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टूडेंट ये टेक्निक भी बहुत काम आई है स्टूडेंट्स को नीट 2020 में. करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, राइट, क्या पूछा उसे अंडरलाइन करने की हैबिट बनाओ. पता है क्या होता है, अपन पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अपन खुश हो जाते हैं और यार ये तो ट्रू है और अपन आंसर लगा देते हैं. अपन भूल जाते हैं कि एक्चुअली रॉन्ग पूछा है, तो हमेशा अंडरलाइन या सर्कल करने की हैबिट बनाई. चलिए देखते हैं, लाइफ स्पैन इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दिस इज ट्रू, पर हमसे फॉल्स पूछा है. लाइफ स्पैन ऑफ पैरट इज 140 ईयर्स, बिल्कुल सही, टॉर्टोइस का 150 एंड पैरट का 140 ईयर्स. लाइफ स्पैन ऑफ सेम साइज्ड ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज सेम, सही है क्या ये बात, क्रो का 15 साल है और पैरट का 140 साल है, ये रॉन्ग है. सेम साइज या सेम कॉम्प्लेक्सिटी से सेम लाइफ स्पैन नहीं होता, तो यही हमारा आंसर होगा. और देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल इज टॉर्टोइस, ट्रू, एंड प्लांट इज रेडवुड ट्री, ट्रू. हमेशा अगर कोई लंबा सेंटेंस है, ऑप्शन है, तो उसे पार्ट्स में आंसर करने की प्रैक्टिस करिए. सो हेयर द आंसर वुड बी ऑप्शन सी. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कंप्लीट टुडेज क्लास, आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं. और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, हमने समझा कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमने समझा कि लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन कितना है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है, की इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया हमने, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पोरुलेशन को स्टडी करा. अभी भी हमारे 2 बच जाते हैं, एंड दैट इज पार्थिनोजेनेसिस, and let me bring it to you, vegetative reproduction, propagation, right? हमने 1, 2, 3, 4, 5 cover कर लिए हैं. Vegetative propagation हम next class में पढ़ेंगे. आपको मज़े आ जाएंगे students कि कैसे एक root से, एक पत्ती से, एक leaf से, और गुलाब में, मुझे पता नहीं आप लोग करते थे या नहीं, पर बचपन में हम गुलाब का पेड़ जब हमें लगाना होता था तो उसकी एक स्टेम लाते थे पड़ोसी के घर से, जिसके भी गुलाब लग रहा है, ऑफ कोर्स मांग के चुरा के नहीं, और उसको कट करते थे और उस पर मिट्टी और गोबर यूज़ करते थे खाद की तरह, वो लगा के और उसको गमले में लगा देते थे और नया पेड़ बन जाता था गुलाब का. यानी एक स्टेम से, रूट से, लीव से हम नया एग्जैक्ट गुलाब का पेड़ बना देते थे. जी हाँ, यही आर्ट हम समझेंगे, नेचुरली कैसे होता है, आर्टिफिशियली कैसे होता है. बहुत मज़े आएंगे नेक्स्ट क्लास में. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि हमने जो भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उनको अच्छे से लर्न करना है. एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी. सी यू ऑल एंड टेक केयर.